फिल्म के शुरुआत में हम क्रिस्टीन नाम की फीमेल को देखते हैं, जो एक कॉन्वेंट के अंदर आकर सारी नंस और फादर पर हमला शुरू कर देती है और फिर उन सभी के ऊपर ऑयल छिड़क कर उनमें आग लगा देती है, जिससे वो तड़पने लगते हैं और फिर वो उन्हें शूट करके मार देती है, जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम 40 साल बाद का समय देखते हैं, जहां क्लोरिसा नाम की फीमेल अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने उसी कॉन्वेंट में जाने के लिए घर से निकलती है। तब वहां उसकी दोस्त मोनिका आकर उसे कहती है कि मुझे भी कॉन्वेंट जाना है, तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगी, जिस पर वो उसे साफ मना कर देती है कि मेरे दोस्त तुम्हें साथ नहीं ले जाएंगे। तब वहीं खड़े जीप में से क्लोरिसा के दोस्त मोनिका से कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ आ सकती हो, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। इसलिए अब सभी जीप के अंदर सवार होकर वहां से आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी दूर आने के बाद वो सभी क्रिस्टीन के घर के सामने अपनी जीप रुकाते हैं, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि क्रिस्टीन एक पागल महिला है जिसने कॉन्वेंट के अंदर जाकर सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया, इसलिए सारे लोग अब उसे विच कहते हैं। साथ ही किसी की भी हिम्मत नहीं होती उसके घर के आसपास भटकने की, लेकिन इससे क्लोरिसा के दोस्त फ्रिजोल को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो उस घर में आवाज लगाकर कहता है कि अगर कोई विच इस घर में रहती है तो हम तुम्हें यहाँ से लेने आए हैं, क्योंकि हम सभी कॉन्वेंट जा रहे हैं। तब घर के ऊपर वाले कमरे में बिजली जलती है और उन्हें खिड़की में पर्दे के पीछे क्रिस्टीन की परछाई दिखाई देती है, जिसे देख कर उनके रूह कांप जाते हैं, इसलिए डर के मारे वो सभी जीप के जरिए वहां से भाग निकलते। आप सभी उस कॉन्वेंट के पास आ जाते हैं जो पूरी तरह से वीरान बन गया था। वहीं गेट में ताला लगा होने के कारण वो सभी कटर की मदद से ताले को काट कर अंदर चले जाते हैं। तब क्लोरिसा अपने कजन ब्रांड से कहती कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए, तुम जानती हो कि ये लोग तुम्हें बहुत परेशान करते हैं, तब भी तुम यहाँ आ गए। पर इस पर वो उल्टा कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मुझे इनके साथ मस्ती करना अच्छा लगता है। जो अब क्लोरिसा सुनकर गुस्से में उसे कहती है कि ठीक है, अब तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, जिसके बाद अब सभी कॉन्वेंट के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, जहां अब उन्हें खिड़की लकड़ी से बंद दिखाई देती है। इसलिए बीफ नाम का लड़का फ्रिजोल के साथ मिलकर ब्रायन को पकड़कर उस लकड़ी के ऊपर जोरदार धक्का मारता है, जिससे लकड़ी टूट जाती है, लेकिन इससे ब्रायन वहीं फंस जाता है, इसलिए बीफ उसे घसीट कर निकालता है और फिर सभी एक एक करके कॉन्वेंट के अंदर आकर उसे एक्सप्लोर करने लगते हैं। आप कॉन्वेंट के एक्सप्लोर करते हुए वो सभी एक जगह आ जाते हैं जहां मोनिका सभी को बताती कि ये वही जगह है जहाँ क्रिस्टीन का एबॉर्शन हुआ था। कहा जाता है कि वो 16 साल की आयु में ही प्रेग्नेंट बन गई थी। साथ ही कॉन्वेंट की सारी नन सिर्फ लड़कियों को ही पढ़ाया करती थी, लेकिन जब उन्हें क्रिस्टीन के प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चला तो वो सभी तुरंत उसे बंदी बनाकर यहाँ ले आए और उसका एबॉर्शन करके उसके बच्चे को निकाल लिया, ताकि वो उस बच्चे को सेटन को बलि दे सके, जिससे सेटन दुनिया में आ जाए, क्योंकि हाल ही में जन्म लिया हुआ बच्चा और वजन इंसान की बलि दी जाए तो ये महत्व रखती है सेटन को जल्दी बुलाने के लिए। और इसी कारण से क्रिस्टीन ने सारी नंस और फादर को मार दिया, जो जानकर भी किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, उन्हें बस ये कहानी लगती है, इसलिए वो सभी उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। अब अगले सीन में फ्रिजोल और मोनिका आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ फ्रिजोल उसे बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जिस पर वो जवाब देती है कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है, मैं अब भी वर्जन हूँ, जो सुनकर फ्रिजोल उसे कुछ नहीं करता। पर तभी कॉन्वेंट के बाहर पुलिस वाले आ जाते हैं, जो देखकर फ्रिजोल अपना ड्रग का पैकेट वहीं छिपा देता है। तब मोनिका उससे कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, लेकिन किसी को मेरे बारे में मत बताना कि मैं अंदर हूँ। तभी से कहना कि मैं पहले ही यहाँ से जा चुकी थी, क्योंकि मुझे खुद के ऊपर पुलिस केस फाइल करवा कर अपना नाम खराब नहीं करना है, जिस पर फ्रिजोल मान जाता है। और फिर सारे लोगों को पुलिस वाले कॉन्वेंट के बाहर लाकर उनसे कहते हैं कि जब तुम लोगों को पता था कि इस कॉन्वेंट में आना मना है, तो आखिर तुम लोग यहाँ आए क्यों? इस बार तो मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, पर आगे से ये गलती करने की कोशिश की तो तुम सभी पर केस दर्ज करवा कर जेल में बंद कर दूंगा, जो सुनकर सभी तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। अब उनके जाने के बाद पुलिस वाले भी वहाँ से जाने लगते हैं, जिन्हें कॉन्वेंट के अंदर से मोनिका देख रही होती है, पर तभी पीछे से कोई उसका अपहरण कर लेता है। अब अगले दिन क्लोरिसा और बाकी रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ क्लोरिसा सभी से मोनिका के बारे में पूछती है, लेकिन किसी ने भी कल रात से उसे नहीं देखा था, इसलिए क्लोरिसा सभी से कहती कि हमें फिर से कॉन्वेंट जाना होगा, शायद मोनिका वहाँ किसी मुसीबत में पड़ गई हो, लेकिन कोई भी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होता। पर जब फ्रिजोल उनसे कहता है कि मैंने अपने ड्रग की पूरी पैकेट पुलिस के डर से कॉन्वेंट में छुपा दी है, तब सभी कॉन्वेंट के अंदर जाने के लिए मान जाते हैं। आप कॉन्वेंट के अंदर आने के बाद सभी ड्रग और मोनिका को ढूंढने लगते हैं, तब फ्रिजोल का कुत्ता वहाँ से भाग जाता है, जो देखकर फ्रिजोल ब्रांड से कहता है कि जाओ और मेरे कुत्ते को संभालो, जिसके बदले मैं तुम्हें भी ड्रग दूंगा, जो सुनकर ब्रांड एकदम खुश होकर उसके गले लग जाता है।
और फिर उसके कुत्ते को लाने वहां से चला जाता है। इधर कॉन्वेंट के दूसरे कमरे में हम मोनिका को देखते हैं, जिसे बंदी बनाकर रखा गया था। और तब वहाँ शैतान की पूजा करने वाले कुछ लोग आते हैं, जिनका लीडर सॉल उनसे कहता है कि आज हम शैतान को बुलाने के लिए इस वर्जिन लड़की की बलि देंगे। जो इतना कहकर वो सभी मोनिका पर रिचुअल करने लगते हैं, जिस पर सॉल अपने साथी को एक खंजर देकर कहता है कि इसे मोनिका के दिल में डालकर इसकी बलि दो। इसलिए वो खंजर को मोनिका के दिल में घुसा देती है, जिससे अब पूरे कॉन्वेंट में मानो तूफान सा आने लगता है, जो देखकर क्लोरिसा और बाकी एकदम घबरा जाते हैं। वहीं हम मोनिका को देखते हैं, जो अब शैतान बनकर जाग उठी थी, जिसके अंदर अब उस नन की आत्मा आ गई है, जो सोल की एक साथी पर हमला करके उसे मार देती है, जिसे देखकर सारे लोग वहां से भागने लगते हैं। इधर क्लोरिसा अपने बॉयफ्रेंड चैड के साथ कॉन्वेंट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है, पर तभी वहां सॉल की साथी आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तब क्लोरिसा उस फीमेल को मारकर चैड के साथ वहां से आगे बढ़ जाती है। वहीं फ्रिजोल जब आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसे मोनिका दिखाई देती है, जो अचानक में उस पर हमला करके उसे भी शैतान बना देती है। इधर ब्रांड जब फ्रिजोल के कुत्ते का पीछा कर रहा होता है कि तभी उसके सामने सॉल अपने साथी के साथ आ जाता है और उसे पकड़कर उसे सवाल करता है कि क्या तुम वर्जिन हो, जिस पर ब्रांड हाँ में जवाब देता है। तब सॉल अपने साथी से कहता है कि मुझे लगता है मैंने गलत मंत्र पढ़कर मोनिका पर रिचुअल कर दिया, अब अगर हम ब्रांड पर उल्टा रिचुअल करें तो शायद इससे सारी चीजें वापस पहली जैसी हो जाएगी। इसलिए अब वो उसे मारकर बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन पहले दो बार में तो वो बेहोश नहीं होता, पर तीसरी बार में वो वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ बीफ अपनी गर्लफ्रेंड कैथलीन के साथ होता है और तभी वहाँ वो शैतान आकर उन दोनों पर हमला कर देता है, जिसमें वो कैथलीन के चेहरे की चमड़ी ही निकाल देते हैं, जो देखकर भी वहाँ से भाग जाता है और भागकर क्लोरिसा के पास आता है, जो घायल चैड के साथ होती है। तब वहाँ भी वो शैतान आने लगता है और अब देखते ही देखते चैड भी शैतान में बदलकर उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, जो देखकर भी उसे लड़ने जाता है, लेकिन चैड एक बैट लेकर उसे ऐसा मारता है कि बीफ का सिर टमाटर की तरह पचक जाता है और अब वो भी शैतान बनकर क्लोरिसा के पीछे पड़ जाता है। लेकिन वो जैसे तैसे खिड़की पर लगी लकड़ी को हटाकर कॉन्वेंट से भागने में सफल हो जाती है। दूसरी तरफ सॉल और उसका साथी ब्रांड की बलि देने के लिए तैयार कर रहे होते हैं और उन्होंने उसे ये कहकर वहाँ लिटाया होता है कि अभी सुंदर लड़कियां आकर तुम्हें बहुत सारे ड्रग देंगी, इसलिए ऐसे ही चुपचाप लेटे रहो। लेकिन काफी समय इंतजार करने के बाद जब उसे ड्रग नहीं मिलता, तब ब्रांड अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है, जहां सॉल का साथी उसके अंदर चाकू घुसाने ही वाला था, जो देखकर वो तुरंत वहां से भाग निकलता है। अब अगले सीन में क्लोरिसा भागते हुए क्रिस्टीन के घर उसे मदद मांगने आती है, इसलिए वो उसे अपने घर के अंदर लाती है। तो वहीं कॉन्वेंट में सारे शैतान कबर के अंदर से नन्स वाला कपड़ा निकाल कर पहन लेते हैं। इधर क्लोरिसा क्रिस्टीन को सारी बात बताती है कि कॉन्वेंट के अंदर मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गई थी, लेकिन अचानक ही सभी शैतान में बदल गए, मेरे सारे दोस्त मारे गए, लेकिन मेरा भाई अब भी जीवित है, मुझे उसे वापिस लाना है, मेरी मदद करो। जो सुनकर क्रिस्टीन उससे सवाल करती है कि क्या तुम्हारा भाई वर्जन है, जिस पर क्लोरिसा हाँ में जवाब देती है। क्रिस्टीन अब कहती कि अब तो उसे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि शायद वो आखिरी वर्जन है, और अगर अब उन लोगों ने उसकी बलि दे दी है तो उस बलि दिए हुए इंसान के अंदर वो शैतान आ जाएगा। क्रिस्टीन फिर से उस कॉन्वेंट में जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्लोरिसा की जिद करने पर वो मान जाती है। वहीं सॉल अपने साथी के साथ फिर से ब्रांड को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ शैतान नंस आकर उन पर हमला करने लगती है, जहाँ वो सॉल की आंख में चाकू घुसाकर उसे मार देते हैं। पर ब्रांड और सॉल के साथी पकड़कर उन्हें बंदी बना लेते हैं, क्योंकि दोनों भी वर्जन है। तब कॉन्वेंट के अंदर क्रिस्टीन और ग्लोरिसा आकर सारी नंस को मारना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद दोनों उस जगह आते हैं जहाँ ब्रांड को बलि देने की तैयारी की जा रही थी। तब क्रिस्टीन नंस को शूट करना शुरू करती है और क्लोरिसा ब्रांड को बचाने जाती है, जहां सॉल का साथी उससे मदद मांगता है कि मुझे भी बचा लो। पर इससे पहले कि वो उसे बचाने जाती, पीछे से एक नन उसके अंदर खंजर घुसाकर उसकी बलि दे देती है, जिससे वो शैतान में बदलना शुरू हो जाता है। वहीं अब क्रिस्टीन के गन की गोलियां भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो क्लोरिसा और ब्रांड को वहां से जाने को कहती है, और अब उनके जाने के बाद वो एक बॉटल बॉम्ब को जलाकर शैतान और नंस के साथ खुद को भी विस्फोट कर लेती है, जिससे पूरा कॉन्वेंट बर्बाद हो जाता है। आप क्लोरिसा और ब्रांड जब अपने घर जा रहे होते हैं कि तभी फ्रिजोल का कुत्ता उनके पास आता है, इसलिए वो उसे भी अपने साथ घर ले जाते हैं, जो दरअसल उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो कुत्ता भी शैतान बन चुका था, जो क्लोरिसा पर हमला करके उसे मार देता है। जिसी हॉरर एंडिंग के साथ ही मूवी यही समाप्त हो जाती है।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों।